हाँ भाई पता है लेट हो रहा हूँ, इसीलिए बस से नहीं ऑटो से आ रहा हूँ। पर ये साली ऑटो रुके तब ना। हाँ यार प्रिपरेशन तो कर लिया है, अब देखते क्या होता है। एक सेकंड, चालू रख भैया टेक्नो पार्क। भैया हद है यार, रुक एक और ऑटो आ रहा है। भैया टेक्नो, भैया एक तो रिक्शा रुक नहीं रहा है और ऊपर से दूसरे लोग आ गए लाइन में। भैया रुक, तुझे कॉल करता हूँ एक मिनट। अरे 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 ये क्या, अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? पहले मैं खड़ा था ना वहां पे और आप डायरेक्ट इनके सामने आके खड़े हो गए। लेकिन भैया ये क्या, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे और आप डायरेक्ट इनके सामने आके खड़े हो गए। और वैसे भी इनको कौन सा कहीं जाना है, और वैसे भी अपाइज होने के बहाने इनको हर तरीके के फायदे उठाने, कभी एनजीओ से कभी गवर्नमेंट से। ओ भैया आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हो? बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे सर छोड़ो भी, आप ही चले जाओ, तुम इन्हें लेके जाओ, मैं तो किसी और ऑटो में चला जाऊंगा। अरे इनको काफी लेट हो रहा है। अरे नहीं सर, इन अमीरजादों को ना एक चपेट लगाने की जरूरत है, इनको पता ही नहीं होता कब कहाँ कैसे बोलना है, बस बोले ही जाते हैं। क्या क्या बोल क्या रहा है तू, किसको चपेट लगाने की बात कर रहा है? अभी आपने क्या इनकी कंडीशन के बारे में बोला? पता भी है आपको ये कौन है? मोदी है, मुझे तो नहीं लग रहे। सर तो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, रुको दिखाता हूं कौन है। ये देखो, एक बार मैंने सर को ऑफिस से घर ड्रॉप किया तो उन्होंने तो मुझे अपना ही बना लिया। कहने लगे कि बेटा तू आज से ना हर रोज मुझे ऑफिस से घर और घर से ऑफिस छोड़ने आ जाना। ये कार्ड रख लीजिए आप, और इसलिए मैं वहां से सीधा इनके सामने आके खड़ा हो गया। आई एम रियली सॉरी। अब किस बात की सॉरी, क्योंकि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं? बात करते हो, अगर मैं ऐसी हालत वाला कोई नॉर्मल इंसान होता तो ये रिग्रेट होता तुम्हें? सॉरी बोल रहे हो, तुम्हें सिर्फ ये अपनी बॉडी पे घमंड है कि सब ठीक है, कि तुम सब कुछ ठीक से कर सकते हो। याद रखना, ये तुमने कमाया नहीं है, ये तुम्हें मिला है। घमंड तो हमेशा अपने से हासिल की हुई चीज पे होना चाहिए। ये जो देख रहे हो ना, ये मैंने कमाया है और मुझे इस पे बहुत गर्व है, और ये तुम कभी नहीं समझोगे।